बॉर्डर पर दंगल की स्थिति है और इधर राजनीतिक पार्टियों में सरकार और विपक्ष के बीच पिछले कई दिन से लगातार एक दंगल मचा हुआ है और उस दंगल के बीच ये एक साझा बयान जो 71 पूर्व सैनिक अधिकारियों ने जारी किया जिनके फोन नंबर भी साथ में प्रेस रिलीज में दिए गए हैं कि कोई फोन करना चाहे तो करके पूछ ले। इस बयान में लिखा है, आप दोनों को पढ़ के सुना रहा हूं, वी विश श्री राहुल गांधी हैड गॉन थ्रू एटलीस्ट द हिस्ट्री ऑफ दिस डिस्प्यूट एंड शुड नेवर फॉरगेट 1962 व्हेन द कंट्री वॉज हेडेड बाय नन अदर देन हिज ग्रेट ग्रैंडफादर श्री जवाहरलाल नेहरू एंड वी वर नॉट ओनली कॉट टोटली अनप्रिपेयर्ड बट हैड टू सफर वेरी ह्यूमिलेटिंग डिफीट एट द हैंड्स ऑफ चाइना डिस्पाइट द फैक्ट दैट आवर सोल्जर्स फॉट वेलियंटली एंड कॉज्ड ह्यूज कैजुअल्टीज टू चाइना। अब संबित पात्रा, इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि यह भाजपा फौजियों ने लिखी है, आप लोगों ने लिखवाई है क्या चिट्ठी? देखिए, कांग्रेस के हिसाब से तो सारे फौजी भाजपा ही हैं और उनको इस प्रकार से यूं लगता है क्योंकि भाजपा भारत के लिए मर मिटती है, भाजपा भारत और राष्ट्रवाद के लिए मिटती है और फौज भी भारत के लिए ही मिटती है। कांग्रेस को हमेशा ही भारत के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, इसीलिए इनको लगता है कि हर फौजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता है। मैं आपको याद दिलाता हूं, चंद दिनों पहले, एक साल पहले, लगभग 2019 में सितंबर के महीने में राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया था और कहा था कि आर्टिकल 370 के अब्रोगेशन के पश्चात जम्मू कश्मीर में हालात इतने बदतर हो गए हैं कि न जाने कितने लोगों की जान चली गई है, ब्रूटैलिटी ऑफ द इंडियन फोर्सेस वहां हो रहा है। और उसके बाद क्या हुआ ये आप भी जानते हैं। उसके बाद तुरंत इमरान खान ने राहुल गांधी के उसी कोटेशन का इस्तेमाल करते हुए यूएन को, संयुक्त राष्ट्र को एक डोसियर सौंपा कि देखिए जो हम बोल रहे थे राहुल गांधी वही बोल रहे हैं, पाकिस्तान को एक अपर हैंड मिला। आप याद करिए 2017 में, आज इस चिट्ठी में भी उसका जिक्र है, ये चिट्ठी का एक प्रति मेरे सामने भी रखा हुआ है, 2017 में जब डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ था, 70 दिन से अधिक का ये स्टैंड ऑफ था, राहुल गांधी इसी प्रकार सवाल पूछते थे, बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। अचानक एक दिन रात को खबर आई न्यूज चैनल के माध्यम से, कोई बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दोनों के परिवार जाके चाइनीज ऑनवॉय के साथ चुपके चुपके रात को डिनर कर रहे थे। पहले तो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ये झूठी बातें हैं, बाद में तस्वीर सामने आ गई तो जीभ काट के मानना पड़ा कि हाँ ये तो हम डिनर कर रहे थे। आज इसका जिक्र किया है, आज जो 71 बड़े बड़े अधिकारियों की बात कर रहे हैं, इनको जो चक्र, परमवीर चक्र इत्यादि दिया गया है, जो अवार्ड्स दिए गए हैं, ये बीजेपी ने दफ्तर में नहीं दिया है, इनको अपने शौर्य के कारण, अपने गरिमा के कारण, देश को बचाने के कर्तव्य के कारण उन्हें वो परमवीर चक्र इत्यादि दिया गया है जो मेंशनड है। ये 71 लोग कोई भाजपा के सदस्य नहीं है, ये हिंदुस्तान का वह बटालियन है जिन्होंने हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी है। आप बताइए, जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तब भी राहुल गांधी जी को शक होता है, उस समय डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने पाकिस्तान पे किया था, विश्वास नहीं हुआ था इनको। मैं कहता हूं जल्दी क्या है, अभी एक सिचुएशन डेवलप कर रही है राहुल जी, एक ट्विटर पे डिप्लोमेसी नहीं होता है, थोड़ा इंतजार करना था। आपके पास फोन है जी रोहित जी, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूं और उसके बाद आप एक लीड क्वेश्चन कह रहा हूं। आप जब वो रोज सवाल पूछते हैं तो आप डीजीएमओ से ही बुलवा दीजिए ना, या किसी बड़े सेना अधिकारी से बुलवा दीजिए कि भाई वहां पर वो स्थिति नहीं है जो राहुल गांधी जी आपके ट्वीट में आप बता रहे हैं या आपके नेता ट्वीट कर रहे हैं कि 60 किलोमीटर अंदर आ गए, 40 किलोमीटर अंदर आ गए। आप खुद नहीं बोलना चाहते, सरकार सेना से कहें कि सेना से। मैं इस पर उत्तर देता हूं, तीन चीजें हैं। पहली बात है रोहित जी, आप और आपके माध्यम से ये देश भी इस बात को मानेगा और जो ये आर्मी के बड़े अधिकारियों ने, एयरफोर्स और नेवी के बड़े अधिकारियों ने चिट्ठी में भी लिखा है, ये ट्विटर का प्लेटफॉर्म दंगल का प्लेटफॉर्म नहीं होता है, खास करके जब कोट अनकोट नेशनल सिक्योरिटी के विषय में बातचीत हो रही। राहुल गांधी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक सांसद भी है, पूर्व अध्यक्ष भी है कांग्रेस पार्टी के, वो चाहते तो फोन उठा करके रक्षा मंत्री से बात कर सकते थे। नंबर एक, याद करिए डोकलाम के समय जब ये स्टैंड ऑफ समाप्त हो गया था तो 14 पार्टियों को घर पे बुला के, राजनाथ जी के घर में, राजनाथ जी ने, सुषमा स्वराज ने, अरुण जेटली ने ब्रीफ किया था कि पूरी परिस्थिति क्या थी, किस प्रकार भारत उस पर जीत हासिल करता है, पूरी ब्रीफिंग हुई थी बकायदा 14 पॉलिटिकल पार्टियों का जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, तो धैर्य धारण करना चाहिए। तीसरी बड़ी बात है, आपने कहा कि आर्मी से क्यों नहीं बुलवा देते हैं, अरे राजनाथ जी ने बोला, अभी आपने सुनवाया, गृह मंत्री ने परसों रैली में बोला, बंगाल की रैली में, उड़ीसा की रैली में बोला कि एक इंच भी जमीन, अब इनको ना तो गृह मंत्री पे विश्वास है ना तो इनको डिफेंस मिनिस्टर पे विश्वास है, आप बोलिए इनके बुलवाने से ये सेटिस्फाई हो जाएंगे।